हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू प्रज्ञा अकेडमी ऑनलाइन क्लासेज गंगापुर सिटी एंड आई एम डॉक्टर डीएल कुमार बायोलॉजी फैकल्टी। नाउ टुडे वी डिस्कस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो सेल मेम्ब्रेन स्पेशलाइजेशन एंड फंक्शन एंड नाउ टुडे वी डिस्कस प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। देखो बेटा, प्रोटोप्लाज्म या साइटोसोम क्या है? जब प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियस को निकाल दें तो बची हुई स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? भी साइटोप्लाज्म। देखिए, इससे पूर्व की वीडियोस में हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल के पार्ट्स बात किए थे और वहां मैंने प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इन सब का डिस्कस किया था अपन ने। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? एक सेल वॉल और वैक्यूल को हटा देने के बाद, यानी कोशिका भित्ति या सेल वॉल और वैक्यूल को हटा देने के पश्चात जो सेल बचेगी उसे अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो एक तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि सेल वॉल लेस सेल क्या है? प्रोटोप्लास्ट। और यदि उस प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन को हटा दे तो बची हुई स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में से यदि न्यूक्लियस को हटा दे तो बची हुई सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए, अगर अपन बात करें कि ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है और ये सेल वॉल है और ये वैक्यूल है, तो देखिए मैं कहूं ये एक प्लांट सेल है, ये सेल वॉल हटा दें अपन और ये वैक्यूल हटा दें अपन, तो बची हुई रचना को अपन क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद अपन सेल मेम्ब्रेन को हटा दें इसमें से, सेल मेम्ब्रेन इसमें नहीं ली जाएगी तो बची हुई जो इसके अंदर भरी हुई रचना है उसे अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के पश्चात इसमें से सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को अपन हटा दें तो बची हुई रचना को अपन क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन से, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है सीएम और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच जो फैली हुई स्ट्रक्चर के रूप में जो जेली लाइक मटेरियल जो प्रेजेंट होगा उसे अपन क्या कहते हैं? भी साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म या साइटोसोम माइनस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हटा देने के बाद बचा स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो देखिए ये है साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस, इन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और यदि मैं कहूं सॉरी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यदि मैं कहूं साइटोप्लाज्म क्या है, तो देखिए मैंने कहा कि हाइलोप्लाज्म जो इसके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच जो भरा हुआ मेटीरियल है इसे अपन क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में हाइलोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और मेटाप्लाज्म को इंक्लूड किया गया। तो साइटोप्लाज्म में हाइलोप्लाज्म आता है, प्रोटोप्लाज्म आता है और मेटाप्लाज्म आता है। हाइलोप्लाज्म में कोई किसी प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं एब्सेंट रहते हैं, यानी कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और यदि मैं मेटाप्लाज्म की बात करूं तो इसमें जितने भी जो नॉन लिविंग मटेरियल है जिसे हम सेल इंक्लूजर कह सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें रिजर्व फूड, इसके अलावा सिक्रेटरी प्रोडक्ट, इसके अलावा अपन बात करें तो इसमें एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के तीन पार्ट है, हाइलोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और मेटाप्लाज्म। क्लियर? हम यहां पर इस वीडियो में प्रोटोप्लाज्म
यानी साइटोप्लाज्म के बारे में या प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो मैंने अभी यहां पर बताया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हटा दें उसके बाद बचा क्या है, ये साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म एक तरीके से यहां भरे हुए मेटेरियल को पूरे को जो न्यूक्लियस सहित कहते हैं उस स्ट्रक्चर को, और न्यूक्लियस को हटा देने के बाद बची हुई जो सेल है उसे अपन क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म के बारे में यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, द टर्म ऑफ साइटोप्लाज्म वाज गिवन बाय स्ट्रासबर्गर इन 1882 फॉर पार्ट ऑफ सेल। जो साइटोप्लाज्म वर्ड जो है वो स्ट्रासबर्गर ने 1882 में क्या किया था, दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि ये एक कोशिका का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में या बिटवीन प्रेजेंट होता है। तो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट कौन, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड जेली लाइक ट्रांसल्यूसेंट पार्ट ऑफ सेल, सेल प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है वो सेमी फ्लूइड जेली लाइक मेटीरियल है और ट्रांसल्यूसेंट है और पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, और जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका पार्ट है। क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूड किया गया बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। तो एक तरीके से प्रोटोप्लाज्म का पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, प्रोटोस और प्लाज्मा। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट, तो जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है वो दो वर्डों से बना है, प्रोटोस और प्लाज्मा। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट एंड प्लाज्मा मीन्स होता है ऑर्गेनाइज्ड। तो उससे अपन क्या कहेंगे बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है, प्रोटोज और प्लाज्मा। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्मा मीन्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल की जो प्रेजेंट होती है, जो फर्स्ट जो व्यवस्था है वो अपन इसे कह सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई कोर्टे इन 1772। तो प्रोटोप्लाज्म जो है फर्स्ट वाज ऑब्जर्व बाय कोर्टिंग, कोर्टिंग ने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को ऑब्जर्व किया 1772 में। दुजार्डी 1835 में ऑब्जर्व जेली लाइक सब्सटेंस इन एनिमल सेल एंड गिविन द नेम ऑफ सार्कोर। जो डुजार्डिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1835 में ऑब्जर्व किया और कहा कि ये जेल लाइक सब्सटेंस है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट है एंड गिवन द नेम ऑफ सार्कोड, और उन्होंने क्या नाम दिया था भी इसको, सार्कोड नाम दिया था। नेक्स्ट अपन बात करें, जेई कुरकंजे 1840 ऑब्जर्व सिमिलर सब्सटेंस इन प्लांट सेल एंड गिवन द नेम ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जेही कुरकंजे ने ऑब्जर्व किया सिमिलर सब्सटेंस, जो डुजार्डिन ने जो मेटीरियल या सब्सटेंस ऑब्जर्व किया था उसी के सिमिलर ऑब्जर्व किया इन प्लांट सेल एंड गिविंग द नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। तो डुजार्डिन ने तो इसे एनिमल सेल में ऑब्जर्व किया और सार्कोड नाम दिया, और जेही कुरकंजे ने इसे प्लांट सेल में ऑब्जर्व किया और इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड या ऑब्जर्वेशन किसने दिया था या प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया था, तो यह है जेई कुरकंजे ने, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कोर्टी ने, और जो इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया वो किसने दिया, जेई कुरकंजे ने। मैक्स सुल्टर्स एंड हार्टवीग 1861 में परपोज प्रोटोप्लाज्म थ्योरी। तो मैक्स सुल्टर्स एंड हार्टवीग ने 1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी का प्रपोज किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन नीट में और बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि
कि प्रोटोप्लाज्म जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज की थी, तो मैक्स वुल्टज और हर्टवीग ने 1861 में प्रोटोप्लाज्म थ्योरी प्रपोज की। नेक्स्ट अपन बात करें जे एस हेक्सले 1868 में प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। तो हेक्सले ने जो बेटा क्या किया, हेक्सले ने 1868 में प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेस ऑफ लाइफ ये एक स्टेटमेंट कहा। उन्होंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो फिजिकल बेस है लाइफ का। तो लाइफ का मेन जो भौतिक जिसे अपन आधार कहें वो क्या है, फिजिकल बेस क्या है भी, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें रिंकी एंड रोंडरवाल्ड 1881 में फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो रिंकी और रोंडरवाल्ड ने जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी फुल्ली जो केमिकल एनालिसिस है वो की। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें हुंगो वॉन मोहल 1846 में इंपोर्टेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में प्रोटोप्लाज्म के इंपोर्टेंस को आइडेंटिफाई किया किसने, हुंगो वॉन मोहल ने 1864 में। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म और फिर बात करेंगे अपन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो इस वीडियो में अपन तीन टॉपिक बात करेंगे, प्रोटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन, प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर और प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जेई प्रोकंजे मैक्स वुल्टज एंड हर्टवीग हेक्सले और कॉर्टी सार्कोट नाम का किसने दिया, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सार्कोट नेम प्रोटोप्लाज्म नेम किसने प्रपोज किया। ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे यहां पर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की क्या फिजिकल नेचर है, ये किस तरीके की भौतिक प्रकृति रखता है वो अपन बात करें। देखो जैसे लाइट किस तरीके की नेचर रखता है, एक द्वैत नेचर का होता है, डबल नेचर रखता है, उसी तरीके से अपने प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो किस तरीके की नेचर का है। तो देखिए इसको नेचर के लिए सेवरल थ्योरीज आर प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन इन फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न प्रकार की थ्योरीज दी गई है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, उनका अपन डिस्कशन यहां पर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें एल्विओलर थ्योरी। देखिए बेटा एल्विओलर थ्योरी बुटचली ने दिया था, बुटचली साइंटिस्ट ने 1892 में, और उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म इज फोमी इमेसुलेशन कंसिस्ट ऑफ बबल्स ऑफ हाई डेंसिटी फ्लूइड। बुटचली ने एल्विओलर थ्योरी दी प्रोटोप्लाज्म के लिए और कहा कि ये एक फोमी इमल्सन बबल्स हाई डेंसिटी क्या है, फ्लूइड है। यानी अपन इसको इस तरीके से समझे, जैसे मान लीजिए ये प्रोटोप्लाज्म है कि इसमें अनेक छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाईली डेंसिटी और बबल्स युक्त क्या है भी, एक फ्लूइड है, कौन, प्रोटोप्लाज्म। तो इस तरीके से जैसे अपन देखें जो अपने ऑयल होते हैं, उस ऑयल में अपन उसको बार बार हिलाते हैं तो उसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट या एल्विओलर जो बबल्स है वो बन जाते हैं, उसी तरीके की एक बबल्स और हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड क्या है भी, प्रोटोप्लाज्म। ये किया कहा था बुटचली ने। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेनुलर थ्योरी। ग्रेनुलर थ्योरी जो है वो अल्टमैन ने दी थी 1893 में, और उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक फाइन ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर रखता है। तो फाइन ग्रेन्यूल आर होमोजीनियसली, और उन्होंने बायोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट इसे नाम दिया था। तो जो अल्टमैन है, अल्टमैन ने प्रोटोप्लाज्म को एक फाइन ग्रेन्यूल होमोजीनियसली मेटीरियल या फ्लूइड कहा इसे, और इसे बायोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट नाम दिया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बेटा,
बायोप्लास्ट या साइटोप्लास्ट नाम किसने दिया था? अल्टमान ने। और इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ग्रेन्युलर थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, फाइन ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है। अपन इसको थ्योरी को समझें, देखिए जैसे मान लीजिए ये अपना प्रोटोप्लाज्म के बॉर्डर है, यहां पर इस तरीके से फाइन ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होती है, इसमें इस तरीके से ग्रेन्युल्स प्रेजेंट होगी और ये एक होमोजेनियसली क्या है, मेटीरियल फ्लूड है जिसमें और अदर मेटीरियल नहीं है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर रखता है ग्रेन्युलर अल्टमान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर बात करें फाइब्रिलर थ्योरी, फ्लेमिंग ने दी थी फाइब्रिलर थ्योरी जो है, और 1894 में ये थ्योरी प्रपोज की थी उसने। उन्होंने बताया कि माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फ्लेमिंग ने जो थ्योरी दी वो दी थी भैया फाइब्रिलर थ्योरी दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरीके से अपन इसको समझें, तो देखिए इसकी जो थ्योरी दी थी उन्होंने बताया था कि जैसे अपन कहें कि ये प्रोटोप्लाज्म का एक स्पॉट के रूप में अपन समझें, इस तरीके से इनमें माइक्रोस्कोपिक क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये थ्योरी दी थी किसने? फ्लेमिंग ने दी थी, और इसे अपन फाइब्रिलर थ्योरी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें रेटिकुलर थ्योरी, ये हेस्टिंग ने दी थी रेटिकुलर थ्योरी, और 1898 में दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज मैस वर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट, मतलब इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट है और ये इस तरीके से एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते, एक जाल नुमा रचना बना लेते हैं। तो इसमें उन्होंने किस प्रकार की थ्योरी दी उसे अपन समझे। तो देखिए जो रेटिकुलर थ्योरी दी थी वो हेस्टी ने दी थी, और उन्होंने क्या बताया था बता? कि इसमें एक क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इज मैस वर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट। माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट तो होते हैं परंतु ये आपस में उलझकर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल नुमा रचना बना लेते हैं। इस तरीके से एक इसमें जाली नुमा रचना प्रेजेंट होती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये बताया था हेस्टिन ने। नेक्स्ट अपन बात करें कोलाइडल थ्योरी। कोलाइडल थ्योरी जो है वो तीन साइंटिस्टों ने प्रपोज की थी, और वो है फिशर जो सबसे पहले इस थ्योरी के ऊपर दी थी इसने, और 1894 में दी। उसके बाद हार्डी ने 1899 में इसे क्या किया, मॉडिफाई किया इसने, और विल्सन ने लास्ट थर्ड टाइम इसमें मॉडिफाई किया इन 1925 में। तो देखिए बेटा जो कोलाइडल थ्योरी है ये मोर एक्सेप्टेड थ्योरी है और एक यूनिवर्सल थ्योरी है, जो प्रोटोप्लाज्म की जो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर अपन बात कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने वाली सबसे वाइडर और एक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल क्या है, थ्योरी है। ठीक है, तो फिशर ने 1894 में, हार्डी ने 1899 में, और विल्सन ने 1925 में इसमें लास्ट मॉडिफिकेशन करके इस थ्योरी को प्रोटोप्लाज्म के लिए सबसे अच्छी बना दी। दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है थ्योरी है प्रोटोप्लाज्म के लिए, एंड द प्रोटोप्लाज्म इज पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम है। तो देखिए बेटा हमने प्रोटोप्लाज्म के नेचर देखी, फिजिकल नेचर, इसके लिए अपन ने बहुत सारी थ्योरीज के अपन ने डिस्कस किया। इसमें से एल्वियोलर थ्योरी जो अपन ने की, उन्होंने कहा कि ये एक बबल्स लाइक स्ट्रक्चर है। ग्रेन्युलर जो थ्योरी अपन ने बात की अल्टमान की, उन्होंने कहा कि ये ग्रेन्युलर लाइक स्ट्रक्चर नेचर रखता है। फाइब्रिलर थ्योरी अपन ने बात की फ्लेमिंग की, तो उन्होंने कहा कि ये माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट रखते हैं। रेटिकुलर थ्योरी अपन ने की हेस्टिन की, और उन्होंने कहा कि माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बाद में अपन ने की जो सबसे एडवांस है कोलाइडल थ्योरी अपन ने बात की, जो फिशर, हार्डी और विल्सन द्वारा दी गई थ्योरी है,
और इन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म जो है एक पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम है, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम जिसमें बहुत सारी फेज प्रेजेंट होती है, तो पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम। तो लास्ट में अपन यहां पर अपने रिजल्ट ये सामने आया कि प्रोटोप्लाज्म की जो फिजिकल नेचर है वो कैसी है बेटा, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम के रूप में ये प्रेजेंट है। तो इसकी नेचर कैसी है, पॉलीफेजिक कोलाइडल नेचर है का है, ठीक है। तो ये अपने इसकी नेचर हो गई, क्लियर। नेक्स्ट अपन लास्ट पॉइंट इस वीडियो का बात कर रहे हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म की कैसी प्रॉपर्टी है उनकी अपन बात करेंगे। तो देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म इज ट्रांसल्यूसेंट, ऑर्डरलेस एंड पॉलीफेजिक फ्लूइड। देखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक क्या कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट है, स्मेललेस एंड पॉलीफेजिक फ्लूइड है, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो ट्रांसल्यूसेंट है, पारदर्शी है, गंध रहित है और पॉलीफेजिक फ्लूइड है जिसमें बहुत सारी फेज प्रेजेंट होती है, ऐसा फ्लूइड क्या है भी, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज ए क्रिस्टलो कोलाइडल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्रिस्टलो कोलाइडल क्या है भी, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है ये, क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में है। नेक्स्ट अपन बात करें, साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनके यदि मैं साइज की बात करूं तो वो होती है बेटा 0.001 मिलीमीटर, यानी इसकी बहुत छोटी साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। जो सामान्य जो अपना सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकलों से, इसके पार्टिकल जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, कोलाइडल सिस्टम कंपोज ऑफ टू स्टेज, जो कोलाइडल सिस्टम है वो टू स्टेज लगता है, कौन कौन सी, एक होती है बेटा डिस्पर्सन स्टेज या फेज। डिस्पर्सन कैसी बेटा, फैलाव, बिखरी हुई जिसे अपन कहें, डिस्पर्सन या कंटिन्यूस या इंटरमिसेलियस फेज। तो जो कोलाइडल जो सिस्टम होता है उसमें टू फेज होती है, एक होती है डिस्पर्सन और एक होती है डिस्पर्स्ड। टू फेज होती है, एक होती है डिस्पर्सन जिसे अपन कंटिन्यूस या इंटरमिसेलियस फेज कहते हैं, और एक होती है डिस्पर्स्ड या डिसकंटिन्यूस या मिसेलियस फेज होती है। तो ये टू फेज होती है, मेनली आप ये नाम याद रखें, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन और डिस्पर्स्ड, दो फेज याद रखें, डिस्पर्सन यानी फैला हुआ और डिस्पर्स्ड यानी इधर उधर बिखरा हुआ। जैसे मैं कहूं कि ये एक निश्चित व्यू में ये भी फैला हुआ है डिस्पर्सन, और डिस्पर्स्ड इधर उधर फैला हुआ, जैसे ये तो होगी डिस्पर्स्ड, डिस्पर्सन और डिस्पर्स्ड अपन बात करें तो ये भी एक फैला हुआ, इधर उधर बिखरा। तो ये दो स्टेज प्रेजेंट होती है कोलाइडल सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा इसमें बहुत सारे मटेरियल होते हैं, सोल अपन बात करें, डिस्पर्सन जो सोल जो स्टेज रहेगी प्रोटोप्लाज्म की, उसमें डिस्पर्सन जो फेज इज लिक्विड, जो डिस्पर्सन फेज रहेगी वो लिक्विड रहेगा और डिस्पर्स जो रहेंगे वो सॉलिड पार्टिकल के रूप में रहेंगे। तो अपन इसको समझे, देखिए कैसे समझे बात करें अपन, देखिए सोल को अपन समझे, ये सोल जैसे अपन गए, सोल मीन्स होता है थोड़ा लिक्विड फॉर्म, तो डिस्पर्सन यहां पर लिक्विड रूप में क्या है, एक फेज लिक्विड रूप में, और इसमें सॉलिड पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये क्या हो गया, सोल, सोल जो है लिक्विड स्टेज को, थोड़ी उसकी लिक्विडिटी को बताता है, फ्लूडिटी को बताता है। तो सोल जो है वो एक सेमी, जो अपन कहें फ्लूड या सेमी लिक्विड कंडीशन रहेगी। तो डिस्पर्सन जो है लिक्विड फेज के रूप में रहेगा और डिस्पर्स जो रहेगी सोलिड रूप में। जेल की अपन बात करें तो ये एक जेली लाइक मेटीरियल है, तो देखिए इसमें डिस्पर्सन जो रहेगी सॉलिड रूप में रहेगा। तो डिस्पर्सन जो अपन ने बात कर रहे थे सबसे पहले वो कैसा रहा, सॉलिड, और डिस्पर्स जो रहेगा वो लिक्विड, क्लियर।
तो सोल में डिस्पर्सन लिक्विड और डिस्पर्ड सोलिड, और जेल में डिस्पर्सन सोलिड और डिस्पर्स्ड कैसी रहेगी भाई, लिक्विड। ठीक है, आगे पर बात करें इमल्सन जो बात करें तो बोथ स्टेज आर लिक्विड, दोनों स्टेज कैसी रहती है, लिक्विड स्टेज में रहती है इमल्सन में, जैसे ऑयल के रूप में अपन बात करें। एरोसोल जो होती है ये एक एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो नॉन लिविंग मेटीरियल, ये एक लिविंग स्टेज नहीं है, इस तरीके की स्टेज लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं देखी जा सकती, ये एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती। तो एरोसोल सोलिड पार्टिकल रिमेन्स सस्पेंडेड सस्पेंडिंग गैस, यानी इसमें जो एरोसोल जो होगा उसमें सॉलिड पार्टिकल जो है रिमेन्स सस्पेंडेड इन गैस, गैस की जो अपनी स्टेज है उसमें सॉलिड पार्टिकल जो है सस्पेंडेड करते रहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे एरोसोल। और स्मोक जो स्मोक बन जाती है वो एक क्या है एरोसोल का ही रूप है, जिसमें गैस ये जो स्टेज होगी अपनी वो होगी उसमें सॉलिड पार्टिकल क्या करते रहेंगे डिस्पर्स्ड करते रहेंगे। तो यहां डिस्पर्सन जो स्टेज रहेगी वो कैसी रहेगी गैस, और जो डिस्पर्स जो स्टेज रहेगी वो कौन सी रहेगी सॉलिड, क्लियर एरोसोल। और इसका एग्जांपल है स्मोक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसका कोई स्टेज नहीं प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म मेनली, ये अपन ने बात यहां पर कोलाइडल सिस्टम की बात की थी, इसलिए इसमें सोल जेल इमल्सन और एरोसोल स्टेज आई थी। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म मेनली कंपोज्ड ऑफ आइदर सोल और जेल, जो प्रोटोप्लाज्म है वो सोल और जेल स्टेज में प्रेजेंट होता है और एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। सोल स्टेज प्रोवाइड, जो सोल स्टेज है वो प्रोटोप्लाज्म को साइक्लोसिस ब्राउनी मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। जो प्रोटोप्लाज्म जब सोल स्टेज में रहेगा या सोल स्टेज जो है वो प्रोटोप्लाज्म को साइक्लोसिस और ब्राउनी मूवमेंट, यानी साइक्लोसिस जो है जो प्रोटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है उसे अपन कहेंगे, और उसमें ब्राउनिंग जो मूवमेंट है वो प्रोवाइड करवाती है। और इन मूवमेंट्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो सोल स्टेज जो है वो प्रोटोप्लाज्म को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जिलेशन जो जेल अवस्था है वो क्या करती है, तो जेल अवस्था प्रोवाइड प्रोटोप्लाज्म इलास्टिसिटी नेचर, तो जेल जो फेज है या जो जेल स्टेज है वो प्रोटोप्लाज्म को इलास्टिसिटी नेचर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नेचर रिजिडिटी विस्कोसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करती है। तो जो जेल स्टेज है वो प्रोटोप्लाज्म को क्या क्या प्रोवाइड करती है, इलास्टिसिटी नेचर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी रिजिडिटी विस्कोसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करवाती है जेल स्टेज। और देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है वो सोल से जेल में और जेल से सोल में कन्वर्ट होता रहता है। जब कोई मेटीरियल सोल से जेल में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं जिलेशन। देखो बेटा सोल से क्या बन रहा है, तो सोल स्टेज से जब जेल बने जेल में बदले तो उसे अपने क्या कहेंगे जिलेशन, क्योंकि बन क्या रहा है जेल, तो जिलेशन कहेंगे उसे। और जब जेल जो है वो किस में बदले सोल में, तो इसे क्या कहेंगे सोलेशन। तो सोल का जेल में बदलना जिलेशन और जेल का सोल में बदलना सोलेशन कहलाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम, तो रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम है जो सोल से जेल में और जेल से सोल में चेंजेबल चेंज होता रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कोलाइडल प्रोटोप्लाज्म एग्जिबिट टिंडर इफेक्ट, जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोलाइडल सिस्टम है और कोलाइडल जितने भी जो मेटीरियल होते हैं वो टिंडर इफेक्ट क्या करते हैं एग्जिबिट करते हैं। टिंडर इफेक्ट क्या है, देखिए कभी अपन अगर जंगल में गए हैं फॉरेस्ट में और वहां पेड़ पौधों की सघन छाया होती है और उसमें से जब प्रकाश की किरणें आती हुई अपने को दिखती है तो वहां पर जो
डस्ट पार्टिकल है वो लाइट में अपने को दिखाई देते रहते हैं और एक प्रकाश का एक पथ दिखाई देता है, लाइट का एक पाथ दिखाई देता है, वही क्या होता है टिंडेल इफेक्ट। तो टिंडेल इफेक्ट एग्जिबिट करता है कौन, कोलाइडर सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें जो अपना प्रोटोप्लाज्म है उसकी विस्कोसिटी जो है ऑफ प्रोटोप्लाज्म 2 से 20 सेंटीपोइस होती है। तो विस्कोसिटी प्रोटोप्लाज्म की कितनी होती है, 2 से 20 सेंटीपोइस होती है। प्रोटोप्लाज्म की पीएच क्या होती है, तो पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो 6 से 8 होती है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का होता है, तो 6 से 8 के बीच इनकी पीएच होगी। इसके अलावा अपन बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.4 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसका 1.4 होता है। और प्रोटोप्लाज्म हैज ए सरफेस टेंशन, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सरफेस टेंशन भी रखता है। तो ये थी इनका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी, तो इसमें कैसा है बेटा, ये एक क्रिस्टलो कोलाइडल सिस्टम है, ये कोलाइडल सिस्टम के रूप में है जिसमें सोल और जेल फेस प्रेजेंट होती है, ये सोल और जेल में रिवर्सिबल होता रहता है। इसके अलावा ये टिंडेल इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रेक्टेबिलिटी रिजिडिटी विस्कोसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्जेज मेटीरियल है, फ्लूड है, ये टिंडेल इफेक्ट प्रोवाइड एग्जिबिट करता है। इसकी जो विस्कोसिटी है वो कितनी है, 2 से 20 सेंटीपोइस है। इसकी जो पीएच है वो कितनी है, 6 से 8 पीएच है। इसका जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स का मान है वो 1.4 है। और ये जो है सरफेस टेंशन प्रोवाइड करता है, तो जो सरफेस टेंशन रखता है वो सरफेस टेंशन। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, हमने इसकी फिजिकल नेचर देखी। तो ये किस प्रकार का नेचर का है, पॉलीफेजिक कोलाइडल सिस्टम के रूप में ये है। इसका इंट्रोडक्शन अपन ने देखा, तो इसमें जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड जो है वो किसने ऑब्जर्व किया था, कोर्टी ने। जो प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड जो है सर्वप्रथम जेई प्रोकंजे ने प्लांट सेल के लिए वर्ड दिया था प्रोटोप्लाज्म। जो डुजार्डिन है उन्होंने इसको सार्कोड नाम दिया था। अगर मैं कहूं कि अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट और साइटोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हमने प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, इसकी फिजिकल नेचर क्या है और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये इस वीडियो में डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।